करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नागौर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस नेता रिजपाल मिर्धा का बड़ा बयान सामने आया है। बेटी ज्योति मिर्धा पर बोले रिजपाल मिर्धा, अगर मेरी बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है मुझे वहां जाना पड़ेगा, आपकी इजाजत चाहिए, मेरे लिए पार्टी की कोई बंदिश नहीं है, बीजेपी में शामिल बेटी के लिए प्रचार की इजाजत मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वीर तेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है रिजपाल मिर्धा, और देखिए उनका ये बड़ा बयान सामने आया है, बीजेपी में शामिल बेटी के लिए प्रचार की इजाजत मांगी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। अगर हमारे बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़े तो दो चार दिन खान इधर देनी पड़ेगी बंद दोनों के बाद। हमारे पार्टी पार्टी की बंदिश नहीं है, मैं खुलो हूँ था की तरफ लियो मेहरबानी खाकी। तो दो चार दिन खान इधर देनी पड़ेगी बंद दोनों के बाद तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे, पीएचईडी की पेयजल सप्लाई लाइन जो है वो फूटी है, सिविल लाइन्स में फूटी पेयजल सप्लाई लाइन, ये बड़ी जानकारी। ओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई है, पिछले 3 महीने में 6वीं बार पाइपलाइन फूटा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है जयपुर से, ये बड़ी खबर, सिविल लाइन्स में पेयजल सप्लाई लाइन फूटी है, वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई है, पीएचईडी की पेयजल सप्लाई लाइन देखिए फूटी है, और पिछले 3 महीने में 6वीं बार ये पाइपलाइन फूटा है, सिविल लाइन्स में पेयजल सप्लाई लाइन जो है वो फूटी है, और तस्वीर भी देखिए टीवी स्क्रीन पर, और ओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है, और पिछले 3 महीने में 6वीं बार ये पाइपलाइन फूटा है। तो पेयजल सप्लाई लाइन देखिए फूटी है जयपुर से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही सामने आई है, और पिछले 3 महीने में 6वीं बार पाइपलाइन फूटा है। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कारोबारी को गोल्डी बराड़ के नाम पर धमकी मिली है, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी।